आज सुबह फिर से 9 बजे से खापरखेड़ा के ग्रामीण का वाइन शॉप शुरू हो गया है, जहाँ पर मध्य प्रेमियों की जिस तरह से फिर से एक बार लंबी लाइन दिखाई दे रही है। जहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरे मध्य प्रेमी लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर कल कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर पूरी दुकानों को बंद किया गया। अभी आप देख सकते हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर यहाँ पर मध्य प्रेमियों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर मध्य प्रेमियों ने अपनी लाइन लगाने के बारे में यहाँ पर दारू की दुकान में आकर अपने यहाँ पर उस मध्य को लेकर और दारू को लेकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि 2 किलोमीटर इस लाइन को देख सकते हैं और 2 किलोमीटर लाइन में जहाँ पर मध्य पीने के लिए यहाँ पर एक कतार लगी हुई है, कतार में लोग लगे हुए हैं। चलो पूछते हैं कुछ लोगों से, क्या कहेंगे भाई साहब दारू लेने आए हैं, बहुत दिनों बाद है, 52 दिन हो गए, क्या बोले, क्या कहेंगे दारू आज 52 दिनों बाद कल चालू हुई है, आज आप लाइन में खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का वापर हो रहा है? अच्छा है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का वापर हो रहा है और एक्चुअली मैं पापा के लिए आया। अच्छा बस, लेकिन आप बताइए 52 दिन बाद जब ये दारू नहीं मिल रही थी तो उससे किस तरह की तकलीफ हो रही थी दारू न चालू, आज चालू हुई तो बहुत लंबी लाइन है? नहीं, तकलीफ कुछ नहीं हो रही थी, अभी मिल रही तो लेने आ गए, नहीं मिल रही तो चुपचाप बैठना घर में। सरकार ने दारू चालू की है, उत्पादन विभाग ने, जिलाधिकारी ने आदेश दिया है, तो क्या इस तरह के राहत उत्पादन शुल्क वो उस तरह का एक राहत मिली है? राहत तो मिली है, जो पीने वाले हैं उनको राहत मिली है थोड़ी बहुत। आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर। दर्शकों, नागपुर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर मध्य पीनों की जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर इस खापरखेड़ा में आए हुए लोग हैं, जहाँ पर लाइन देख सकते हैं, कतार में लाइन है, 2 किलोमीटर की लाइन दिख रही है। और जिस तरह से क्या कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, दारू आज शुरू हुई है, कल से शुरू हुई है, आप लेने आए कहाँ से? मैं नागपुर से। अपने लिए लेने आया दारू? नहीं, पिताजी के लिए। पिताजी के लेने आया, तो 52 दिन बाद चालू हुई दारू, तो किस तरह का क्या लग रहा है, अनुभव क्या है बताएंगे? नहीं लग रहा है कि अभी दारू शुरू हुई, अच्छा हुआ, पर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए और नियमों का पालन होना। सैनिटाइजर मास्क है आपके पास? हाँ, मास्क तो लगाया है, सैनिटाइजर लेकर आए? हाँ, बैग में सैनिटाइजर भी लेकर आए, मास्क भी लेकर आए। और जिस तरह से दारू पीने की जो लाइन लगी हुई है, क्या कहेगा कहाँ से आए? नागपुर से। 52 दिनों बाद चालू हुई, आज 53 दिन दारू हुए शुरू, तो किस तरह का लग रहा है, क्या अनुभव कर रहे हो? कुछ नहीं, देखते हैं मिलने के बाद देखेंगे क्या होता है। मिल तो जाएंगे दारू, लेकिन उसका अनुभव जो 52-53 दिनों बाद आज सरकार ने, उत्पादन विभाग ने और नागपुर जिला के जिलाधिकारी ने डिक्लेयर किया है कि कल से जहाँ दारू शुरू हुई है, आज आप लाइन में लगे हुए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर, क्या कहेंगे इसके बारे में? लाइन तो लंबी नहीं है, फटफट हो रहा है काम। अच्छा, फटफट हो रहा है यहाँ पर। ये देख सकते हैं दर्शकों कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर ये गोलों को आंका जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ गोलों की आंख पर यहाँ पर लोगों को इस गोले के अंदर खड़े करने के लिए हिदायत दी जा रही है। क्या कहेंगे कहाँ से आए? कहाँ से आए? खापरखेड़ा से आए। 52-53 दिन से दारू बनती है, तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं? नहीं ठीक है, एक आदत छूट रही है। आप आए दारू लेने तो ये आदत छूटी, तो फिर आपने ये कहा कि आदत छूटी, लेकिन फिर आप तो लाइन में लगे। लाइन में लगे, कुछ चीज मिलेगी तो उसके लिए तो आना तो पड़ेगा ही ना। आप बंद रखे तो बंद, ठीक था, चालू हो गए तो चालू के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, चालू हो गई इसलिए आए हैं, आदत थी बंद हो गई, हो भी है, इस तरह का कहना है। और क्या कहेंगे? दारू लेने आए ना भाई, कतार में खड़े हो ना, कुछ बोलोगे नहीं? बोलना पे कतार में खड़े हैं, लेकिन बोलना चाहते नहीं है, और ये भी नहीं चाहते कि शायद दारू के इस खबर में कहीं वो नजर ना आए। क्या भाई साहब कहाँ से आए बोलेंगे? हेलो भाई, मेरे को इस तरह का जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ भाई भाई यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, 52-53 दिन बाद दारू शुरू हुई, अच्छी बात है ना, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए दारू होना चालू था, तो दारू शुरू हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, या आप उनके गोले पे खड़े, गोले पे आप उनके खड़े हो? नहीं नहीं, वो आगे गए थे ना, हम तो यहाँ ही खड़े थे गोले पर, वो आगे से वो बंदा चला गया था, आपने देखे नहीं, और अब हमारा शूट कर रहे हैं। तो ये बताया कि 53 दिन तो आपने कहा चालू हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, 100% कहाँ से आए? हाँ यही से मेरा माध्यम आपको खापरखेड़ा में रहते हैं? हाँ एक खापरखेड़ा में रहते हैं, और उन्होंने कहा है कि अच्छा है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन विभाग यहाँ पर तेजी से, उत्पादन विभाग का फायदा भी होगा। एक और सज्जन ने उनसे बात करते, हेलमेट लगा के आए हैं, हेलमेट लगाया है, क्या कहेंगे सर? सोशल डिस्टेंसिंग
इसका प्रॉब्लम हो रहा है। आप दारू लेने आए, 52 दिन बाद चालू हुई, तो क्या महसूस कर रहे हैं? तो दारू लेने अभी आए हैं आप दुकान में, खापरखेड़ा में आए हैं, कहाँ से आए? बिना से आए। तो दर्शकों, जिस तरह से मैं पूरा लाइन का आपको ब्यौरा दिखाया, पूरे लाइन की जो आपको ये दिखाया कि पूरे लाइन में कितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उस लाइन के जिस तरह से पूरा आपको आप और देख सकते हैं कि जिस तरह से लाइन पीछे पीछे बढ़ते ही जा रही है और लोग जिस तरह से लाइन में लगते जा रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह से दारू लेने की जिस तरह से एक प्रकार का जिस तरह से प्रतियोगिता होती है, उस तरह की प्रतियोगिता हमें दारू लेने के लिए दिख रही है। लोगों का यहाँ तरह से लाइन बढ़ती ही जा रही है और लाइन में क्या कहेंगे भाई साहब, कितनी कहाँ से आए? अब आपकी उम्र क्या है, कितनी? भैया गए बैंक में, आप लाइन में लग गए? अच्छा, तो भैया पैसे लेने गए हैं और लाइन में भैया के लाइन को यहाँ रख के देख रहे हैं कि कुछ लोग लाइन के लिए लाइन में लगा कर अपने बाकी भी कामों कर रहे हैं। नंबर आने के बाद में दारू, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारी लाइन है। क्या बात है भाई साहब, 52 दिन बाद दारू, अच्छी बात है, 2 दिन के बाद मिला। आपकी क्या खुशी, आपका क्या खुशी का यार? ठीक है, पहले तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दारू चालू होने से, दारू चालू होने से बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का इजहार हुआ है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि लाइन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे सर, दारू चालू हुई आज 52-53 दिन बाद? बहुत अच्छी लग रहा है। आपको दारू अवेलेबल होगा तो किस तरह का 52-53 दिन बाद चालू होने से क्या किस तरह का महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी खुशी हो रही है, एक दिन पूरा अच्छे से, और दूसरे दिन नहीं। अच्छा, ये सैनिटाइज मास्क का वापर करें, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे हो रहा है, पालन हो रहा है? हो रहा है। उत्पादन शुल्क विभाग और नागपुर जिला अधिकारी के ओर से कल यहां पर नागपुर जिला ग्रामीण में दारू की बिक्री शुरू हुई है। यहां पर अब दारू की यहां पर नागपुर जिला ग्रामीण में खापरखेड़ा में यहां पर दारू की बिक्री हुई। कल शाम को यहां पर नागपुर से यहां पर खूब सारे लोगों का यहां पर तांता लग गया, और जिस तरह से कोरोना का भय यहां पर देखा जा रहा है, कोरोना यहां पर खापरखेड़ा कहीं कोरोना का सुना हो, इससे संक्षिप्त रूप से हमारे साथ में पत्रकार अमर जैन, साथ में पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी, अशोक मिश्राम जी ग्राम पंचायत सदस्य, शिवसेना के हमारे प्रकाश हो बाड़ापुरे, सारे लोग हैं, उनसे संक्षिप्त रूप में जानते हैं क्या कहना भैया। जिस तरह से दारू तो शुरू हुई है लेकिन नागपुर के लोगों का तांता लग रहा है, कोरोना का बहुत बड़ा डर है, खापरखेड़ा में क्या कहेंगे? जिस प्रकार से 50 दिन से इस खेड़े गांव में ग्रामीण भाग में सभी ग्राम पंचायत सदस्य नागरिकों ने मिलकर चाहे टपरी से लेके बांठेले से लेके बड़ी बड़ी दुकानें बंद रखे, उन्होंने अपना एक बलिदान दिया, साथों साथ पुलिस और नर्स लोगों ने भी यहाँ पे बहुत सेवा की, और ऐसी सेवा करने के बाद अचानक यहाँ पे दारू की दुकान खुलने के बाद नागपुर के जो लोग हैं, खापरखेड़ा के ग्राहक इस वाइन शॉप पे नहीं दिखते हुए नागपुर के ग्राहक यहाँ पे ज़्यादातर में आ रहे हैं, जिससे हमारे इस क्षेत्र में कोरोना फैलने का एक बहुत बड़ा डर है। तो ग्राम पंचायत और पुलिस ने इस शासन के द्वारा इन लोगों को थोड़ा सा रोक लगाने की मांग। भैया, जिस तरह से हमने अभी विदर्भटी में तमाम लोगों का हमने जाकर ज्यादातर के नागपुर के लोग यहाँ पर मिले, खापरखेड़ा और आसपास के जिस तरह से बहुत प्रमुख लोग यहाँ पर मिले, तो नागपुर के लोग आए थे, नाके पर जिस तरह से नागपुर के लोगों को खेती करना चाहिए आने के लिए यहाँ पर अनुमति मिले, इस बारे में यहाँ के जिलाधिकारी यहाँ पे कलेक्टर साहब ने इस बारे में ध्यान जरूर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से वो कड़क कानून कर रहे हैं, इस प्रकार से इसमें भी कड़क कानून करके इन लोगों को रोक लगा के इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरी बात है। पंचायत समिति सदस्य पत्रकार राहुल तिवारी जी मेरे पास है, राहुल तिवारी जी क्या कहते हैं? बहुत बड़ी गंभीर मामले में देखिए, जिसमें कहता है कि इनको शराब पीने की आदत है, इनके लिए बहुत बड़ी खबर कल आया, कलेक्टर साहब ने आदेश किया, इसके कारण कल भीड़ बहुत ज़्यादा हुई, बल्कि कंपेयर में आज थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन भैया जैसा बताया बिल्कुल सही बोला कि जो बाहर के आते हैं किसी चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है कि कोरोना लेकर आ रहा है, कोरोना लेकर जाएगा या लेकर जाएगा, इसे कहता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा उसमें संज्ञान लेना चाहिए, और जो अधिकारी है उन्हें भी इसके बारे में संज्ञान लेना जरूरी है, हमारे गाँव के लोग गाँव में बाहर के लोग रहा है। सर, जिस तरह से अभी लाइन देख रही है तो आधे तौर पर जहाँ से 200 किलोमीटर से ऊपर से ज़्यादा लाइन दिख रही है, आपने जिस तरह से कहा है कि
आस पास के लोग हैं, लेकिन कुछ अधिकतर यहाँ पे नागपुर के लोग हैं। तो नाके से किस तरह के परमिशन यहाँ आने के लिए मिले? देखिए जैसे हमने अपने दुकानदार को मिले जाके इसको सभी जन बोला कि साहब थर्मल स्कैनिंग कर रहे हो, थर्मल स्कैनिंग करो, सैनिटाइजर दे रहे हो, उनका आधार कार्ड एटलीस्ट चेक करो करके। बाहर के लोग नहीं आना चाहिए। देखिए सरकार ने जब उनको लाइसेंस दिया है, परवानगी दिया हुआ है नागपुर जाने के, तो रोक नहीं सकते कानूनन, लेकिन गांव के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी कि हमारे गांव में बाहर नहीं आना। प्रकाश भाई कल जो आपकी मुद्दा होता है, अमर भैया ने भी ये मुद्दा उठाया कि बाहर के लोग आकर यहाँ पे मध्य बिक्री कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है गाँव के पीछे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि जो स्थिति है अभी अपने देश में या अपने गांव में फैली हुई अपने आजू बाजू में, तो अमर बाबू ने और राहुल जी ने जो जिस तरह बताया गया है कि अपने गांव में बाहर के लोग जो आ रहे हैं उसके ऊपर बाहर पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन गांव के जो नागरिक है उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए कि कौन बाहर से आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। अभी देखा जाए तो कल के मात्रा से आज थोड़ा भीड़ भी कम है, और जो दुकानदार है वो भी केयर कर रहे हैं कि बाहर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ऊपर से अभी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने उनको बताया कि आधार कार्ड देख के भी आप इस तरह का बेचो करके, इस हिसाब से वो भी अपने उस पर लगे। अपनी भी एक जवाबदारी होती है कि बाहर के लोगों को थोड़ा अगर उन्होंने भी अपनी जवाबदारी समझे और अपन भी अपना काम करे, तो ये चीज़ें बाहर का जो रोग है ये अपने गाँव में ना आए, ये प्राधान्य जरूर है। ये प्राधान्य जरूर है। जिस तरह से इस विषय को लेकर कल 4 बजे के करीब हमारे ग्राम पंचायत सदस्य अशोक मिश्राम जी ने विषय को जिस तरह से पकड़ के रखा है, तो आज इस तरह से लाइन तो कम दिख रही है, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटरी मास्क से लेकर जहाँ पे पुलिस विभाग से यहाँ पर काम कर रही है भाव, कल जो मुद्दा उठाया आपने उसका नतीजा है कि आज यहाँ पर एकदम सुरक्षित और अच्छे तरीके से दारू यहाँ पर उपलब्ध है। बहुत बड़ा विषय है कि नागपुर के लोग अगर दारू लेने आएंगे तो कोरोना का फैलने का बहुत बड़ा डर है। यहाँ पर खड़े वाले होता है नागपुर आएगा कोरोना लेके आएंगे, तो गाँव वासी और चिचली ग्राम पंचायत ये सोचना चाहिए कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं इसके लिए बाहर से आने वाले के लिए रोक लगाने चाहिए। दारू लेने जो लोग आते हैं उनको तो रोक लगाई नहीं जा सकती, ये गवर्नमेंट का है, बट अपन ने इसके लिए अपने तरह से रोक लगाकर और कोरोना से खपरगड़े को बचाना चाहिए। मेरा एक ही कहना है कि ये जो टेम्परेचर जो चेक कर रहे हैं, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है उसका नाम नहीं लिख रहे, उनको PSC नहीं भेज रहे, सिर्फ इनको वापसी किया जा रहा है, क्या वो कोरोना बाधित है ये कैसे पता चलेगा लोगों को? इससे अच्छा है कि लाइन जब अन्ना मोड़ों पे जब नागपुर के लोग आते तो वही टेम्परेचर चेक करना चाहिए और उनको वहाँ से ही वापसी कर देना चाहिए, ना कि खपरगढ़ के हाथ उनको पकड़ देना। ये बहुत सही बात है। ये सवाल मैं दर्शकों को चपके और नागपुर जिला ग्रामीण के कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, भैया क्या कहेंगे? और कुछ खपरगढ़ का एक ही नारा है, हम भी बचे और दूसरों को भी बचाओ, यही नारे से हम लोगों ने गांव में 50 दिन का ये यहाँ पर, इसलिए हम लोग कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग ने मिलकर इस नागपुर से जो आ रहे हैं इन ग्राहकों को रोककर इनसे बचे और हमको बचाए, यही हमारी उम्मीद। नागपुर के लोग यहाँ पर अगर दारू बिक्री लेने के लिए आएंगे तो नागपुर खापरखेड़ा के वासियों का अमर भैया, अशोक भाऊ, राहुल तिवारी और हमारे प्रकाश बाबा बाड़ापुर ने एक ही कहा है कि अगर नागपुर के अगर कोरोना खापरखेड़ा के कोरोना को अगर बचना है तो नागपुर के लोगों को यहाँ पर बंदी करना पड़ेगा। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ के तहसीलदार SDO से यही सवाल लेके जा रहा हूँ कि अगर नागपुर की मध्य बिक्री ई लाइन की पद्धति से है तो खापरखेड़ा और ग्रामीण में दारू बिक्री तो शुरू है, लेकिन खापरखेड़ा के में अगर नागपुर के लोग यहाँ आते हैं तो कोरोना का बहुत बड़ा संक्रमक होने का डर पैदा हो जाएगा। यही सवाल को मैं छोड़कर आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के कैमरा पर्सन सचिव के साथ मैं शैलेश डोरे, विदर्भ TV खापरखेड़ा।